हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? मैं अपने काम पर आया हूँ, तुम कहाँ हो? मैं बस ऑफिस से निकल रही हूँ। मैं आऊँ लेने? नहीं, अभिषेक आ रहा है, मैं उसके साथ लंच पे जाऊंगी। ठीक है बेबी। ओके, ही इज कमिंग। बाय बाय। तो काफी अच्छा गाना है। हाँ चलो, मैं कैब बुक कर लेता हूँ। हाँ यही कैब है, कम। सर रोटी भी। अविनाश तुम? कृतिका? कृतिका तुम इसे जानती हो? ये नहीं यार, ये तो मेरे फ्रेंड है, एक बहुत दिनों बाद देखा तो। कृतिका मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं बॉयफ्रेंड हूँ इसका। बॉयफ्रेंड? ओह नो, ही इज नॉट अ बॉयफ्रेंड। एक कैब चलाने वाला मैं बॉयफ्रेंड हो सकता है क्या? इस गरीब कैब चलाने वाले को तो मुंह तक ना लगाऊं, बॉयफ्रेंड क्या बनाऊंगी। कृतिका तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हम 3 साल से रिलेशनशिप में है। भाई एक सेकंड, आप सच में इसके बॉयफ्रेंड हो? हाँ भाई। कोई प्रूफ वगैरह है या कोई पिक्चर साथ में या मैसेजेस? हाँ। रितिका अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो झूठ क्यों बोल रही हो? एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? यही कि इसे कैब ड्राइवर और इसने ये बात मुझसे छुपा के रखी थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी इंसल्ट हो कि मेरा बॉयफ्रेंड एक कैब ड्राइवर। भाई आपने इसे क्यों छुपाया था कि आप कैब चलाते हो? भाई मैं नाइट शिफ्ट में कंपनी में जॉब करता हूँ, और कृतिका जब से मेरी गर्लफ्रेंड बनी तब से इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी, जिससे क्या है कि मैं ऑफिस की सैलरी में इसकी डिमांड पूरी मैनेज नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने डे शिफ्ट में ये कैब चलाना स्टार्ट कर दिया। वैलेंटाइन डे भी आ रहा है और कृतिका ने इस बार मुझसे एक आईफोन की डिमांड की थी, इसलिए मैंने पार्ट टाइम में ये कैब चलाना स्टार्ट कर दिया। भाई तू बंदा बड़ा सही है, और शायद ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, तो जिसके लिए ये सब कर रहा था आज उसने तेरे को पहचानने से इनकार कर दिया। अभिषेक क्या बोल रहे हो तुम? ये मैं सही बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो इससे माफी मांगो। I'm sorry, अविनाश। कोई बात नहीं, आज मुझे लाइफ का एक सबक और मिल गया कि आप किसी के लिए कितना ही करो लेकिन जरूरी नहीं कि वो भी आपके लिए उतना ही करेगा। ये दुनिया मतलब ही है, समझ गया मैं। कोई बात नहीं, ट्रिप स्टार्ट करें मैडम, आपको घर छोड़ दूंगा।